बहराइच आज लाइव टीवी की टीम लखनऊ से लेकर बहराइच तक का सफर की। आज से उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन शुरू हो चुका है जो सोमवार सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता रजी अहमद, अमन अहमद, साहिल मानसी बहराइच के दरगाह पर पहुंच गए। आपको बता दूं कि सैयद सालार मसूद गाजी मियां का उर्स चल रहा है। हमारी टीम दरगाह के अंदर जाकर जायजा लेती है तो पता चलता है इस उर्स में करीब 10 लाख की भीड़ होती है, लेकिन जिस तरह कोरोना ने अपनी दूसरी लहर में तबाही मचा दी है उसको लेकर प्रशासन इस उर्स में पाबंदियों के साथ उर्स मनाने को कहा है, जिसका पालन यहाँ के लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विजुअल में आप खुद तस्वीर देखिए, दुकानें यहाँ की बंद हैं, दरगाह पर भीड़ भी कम नजर आ रही है। जो जायरीन दिख रहे हैं उनके चेहरे पर मास्क देखने को मिला। करीब 40 दिन तक यहाँ मेला चलता है, लेकिन इस बार यहाँ पर मेला का प्रबंध नहीं है, सभी जायरीन को मना कर दिया गया। आपको बताते चले कि सैयद सालार मसूद गाजी मियां बाबा के चाहने वाले देश में नहीं बल्कि विदेश के लोग भी यहाँ उर्स में आते हैं। हमारे रिपोर्टर ने वहाँ के लोगों से जानकारी ली तो पता चला कि सैयद सालार मसूद गाजी मियां बाबा का जन्म 10 फरवरी 1014 को उत्तर प्रदेश के अजमेर शरीफ में हुआ। उसके बाद इस्लाम का झंडा बुलंद करते हुए वो बहराइच पहुंच गए, जहां पर वो जंग में शहीद हो गए। उनकी मृत्यु 15 जून 1034 को हुई। उसके बाद उनकी समाधि यहीं पर स्थापित कर दी गई। बहराइच से संवाददाता रजी अहमद की रिपोर्ट। हाँ जी बताइए, आप जो है ज्यारत करने आए थे, कैसे यहाँ क्या सुरक्षा व्यवस्था, क्या इंतजाम है, कैसी ज्यारत आपने की? यहाँ बहुत अच्छा सुरक्षा व्यवस्था है और कोरोना की वजह से बहुत अच्छे से कोरोना का पालन हो रहा है। भीड़ भाड़ नहीं लगने दे रहे हैं। 4 आदमी 5 आदमी जाएं अपना जियारत करें और वापस जाएं। पुलिस वालों की अच्छी व्यवस्था है, बाकी कोई भीड़ भाड़ यहाँ नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से लोग जाते हैं, जियारत करते हैं और अपने अपने घर जाते हैं। आप कहाँ से आए हैं जियारत करने? मैं गोंडा से आया हूँ, गोंडा में मेरा घर है, वहाँ से आया था मैं जियारत करने और आज मैं वापस गोंडा जा रहा हूँ। जियारत कर लिया मैंने। मंडी जी कुछ शुरू हुआ है, कोरोना काल का प्रोटोकॉल भी चल रहा है, इसको लेकर आपने क्या व्यवस्थाएं की है? दरखास्त ये सरार मसूद गांधी की है, ये इनका अलग महत्व है। ये हर जात हर धर्म के लोग इनको अपना कुल देवता अपना देवता सब कुछ मानते हैं, गांधी मानता है। ये जेठ मेले में मेला मनाया जाता है, एक महीने का होता है। जेठ का पहला इतवार मुक्त दिवस मनाया जाता है। इसकी तैयारियां हम लोग 6 महीना पहले से करते हैं और वसंत मेले में इसकी तिथि का ऐलान किया जाता है ताकि लोग जायरीन जो देश के कोने कोने में हैं उनको जानकारी मिल जाए। उसी हिसाब से लोग अपना आते हैं, अपनी आस्था अपना सब वही अर्पित करते हैं। पिछले साल भी कोरोना को में ही यह जेठ मेला मनाया गया था। कोरोना के लेकर अपना लॉकडाउन चल रहा था, उसको जायरीनों को मना किया गया था। पिछले साल भी जायरीन नहीं आए थे, इस साल भी जायरीन मतलब जेठ का मेला इसी कोरोना में ही पड़ गया है। जो 27 मई से शुरू होना था 30 मई को मेन डे बनाया गया था, अगला 4 संडे जो है चौथियात होगी है। सारे जायरीनों से यही गुजारिश की गई है, यही अपील की गई है कि लोग अपने अपने घर पे ही कोरोना का गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने घर पे नियाज नजर करें, अपने वहीं पर मान्यता अदा करें। यहाँ जो लोग नहीं आएंगे उनकी भी मुरादें वहीं से पूरी हो जाएंगी और उसके बाद जब हालात सही होंगे तभी दरगाह शरीफ बहराइच आए। इस साल भी मेला स्थगित है, मेला कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है। जियारत हो रही है उसका वही चारों तरफ से लोगों को रोका गया है कि कोई यहां ना आए और लोग आ भी नहीं रहे हैं, जायरीन बहुत कम आ रहे हैं और जब वही हालात ठीक हो जाएगी तभी लोग आना शुरू करेंगे। यहाँ पे लोग बताते हैं कि अगर कोरोना ना आया होता या ऐसा कुछ ना होता कि यहाँ पर 5 से 10 लाख की भीड़ लोग बताते हैं। जो पिछला संडे हुआ है जो जेठ का पहला संडे होता है, मुख्य दिवस होता है, उस दिन देश के कोने कोने से पड़ोसी मुल्क नेपाल से भी काफी तादाद में लोग आते हैं, बारातें लेके आते हैं, बारातों का कार्यक्रम होता है। इसमें लगभग 10 लाख के ऊपर के आदमी इकट्ठा होते हैं, 4-5 किलोमीटर के रेडियस में मेला होता है। अब उसी का कोरोना की वजह से ही उसका असर इस पर पड़ा है कि जो लोग नहीं आए हैं और लोगों से अपील भी की गई थी कि लोग ना आए, प्रशासन का भी पूरा सहयोग है, प्रशासन का भी इसमें लोगों से यही कहा जा रहा, अपील की जा रही कि लोग अपने अपने घर पर ही करें या ना आए। और उसका असर हुआ है कि लोग नहीं आए हैं, उन्हें आज की भी पोजिशन में कम से कम लाखों आदमी मतलब इस वक्त होता है यहाँ पर।